हेलो एवरीवन, आप जब भी अपना न्यूज़ चैनल खोलते हो तो आपको केवल एक चीज़ देखने को मिलती है, रशिया और यूक्रेन की वॉर। ये वॉर रियल में इतनी बड़ी हो चुकी है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लगभग एक साल से चल रही इस वॉर में बेशुमार पैसा खर्च करा जा रहा है। दोनों साइड से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही हैं। दुनिया के लगभग सारे एडवांस हथियार यहाँ पर लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक टाइम पे यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था, जो आज ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि रशिया को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा? इसका मेन कारण है नाटो, और यही कारण है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने लंबे टाइम तक टिक पा रहा है। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी, लोगों ने बोला था कि ये 2 या 4 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन नाटो की वजह से ये लड़ाई इतनी लंबी खिंच रही है। इस वॉर का सबसे बड़ा कारण नाटो है। तो आइए जानते हैं नाटो है क्या। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 1949 में। ये एक ग्रुप है यूएसए, यूरोप और कनाडा का। आज की डेट में देखा जाए तो इसमें 30 से ज्यादा कंट्रियां शामिल हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में केवल 2 ताकतें थी, एक थी सोवियत यूनियन और दूसरा था अमेरिका। नाटो का जो मेन पर्पज था वो था सोवियत ताकतों से लड़ना और वेस्ट को प्रोटेक्ट करना। नेटो बेसिकली कई सारे देशों का क्लब है, जिसका आर्टिकल 5 कहता है कि अगर उसके क्लब के किसी भी देश पर कोई देश हमला करता है तो सारे नेटो देश की मिलिट्री मिलकर उस देश को प्रोटेक्ट करेगी। इसीलिए अगर आप नेटो की वेबसाइट पर जाएंगे तो नेटो अपने आप को एक डिफेंसिव अलायंस कहता है। नेटो को 1949 में ही क्यों बनाया गया? क्योंकि 1949 में रशिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री नेटो देश में जुड़ते चले गए और नेटो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता चला गया। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सैन्य ताकतें रशिया और अमेरिका को माना जाता है, और इन दोनों के बीच पहले से ही होड़ लगती आ रही है। और इसीलिए यूएस ने नाटो का गठन किया था। जैसे कि यूएस कहता है कि नाटो एक डिफेंसिव अलायंस है, लेकिन रशिया इस बात को नहीं मानता, और इसीलिए रशिया नाटो का हमेशा विरोध करता रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएस ने सारे नियम तोड़ते हुए कई देशों के अंदर घुस के अपनी सैन्य कार्रवाई करी, जिसका हमेशा से रशिया विरोध करता हुआ आया। और रशिया ने यूक्रेन पर हमला इसलिए भी किया क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो रशिया के बॉर्डर पर आ जाता, और ये रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता। रशिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है उसकी ऑयल और गैस की सप्लाई पर। रशिया गैस और ऑयल का सबसे बड़ा सप्लायर है, पूरा यूरोपियन यूनियन लगभग उसके ऊपर डिपेंड है, और यूरोप में जो गैस सप्लाई होती है वो यूक्रेन के थ्रू होकर पाइपलाइन से जाती है, और इसी कारण यूक्रेन ने रशिया से ज्यादा टैरिफ लेने के लिए मांग करी थी। एक और बड़ा कारण है रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया, क्योंकि अभी रिसेंटली ब्लैक सी के अंदर बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भंडार मिला है जो यूक्रेन की टेरिटरी के अंदर आता है, और यूक्रेन एक गरीब देश है, उसके पास इतने संसाधन और रिसोर्सेस नहीं है कि वो उसको निकाल पाए, लेकिन रशिया के पास रिसोर्सेस हैं, और रशिया अब यूक्रेन में वही कर रहा है जो अमेरिका ने इराक के अंदर किया था। जैसे बड़े देश छोटे देश पर हमला करके उसके एनर्जी रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेते हैं। ये बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। आप लोगों के इस वॉर के बारे में क्या विचार हैं, और आप किस देश को सपोर्ट करते हो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।